अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है बूम बर्गर एंड स्वीट्स। तो आज मुझे ना अपनी वाइफ की तरफ से ट्रीट मिली है, ठीक है। खाने बूम बर्गर आया हूँ एंड जब बर्गर खाता हूँ बताता हूँ आपको क्या बर्गर मेरे को ट्रीट मिली है। और आलियान ने तंग किया हुआ है, देखो आलियान खेलता है नीचे भागता है, बस आओ। मुझे खर्चा ज्यादा होने वाला है। क्या बनता है खाने के लिए? हम ऑर्डर करेंगे तो ये ना पे अभी हम डिसाइड करके फिर आपसे मिलते हैं। ये ना ये बिल्कुल नई जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आलियान कार्टून देख रहा है और यहाँ पर हम लोग कभी आए नहीं थे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इन्होंने सिटिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। पूछा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। ये देखें इसका एनवायरनमेंट है, कितना प्यारा एनवायरनमेंट है। ये देखें बूम बूम स्वीट्स एंड के नाम से इसका मेन्यू है, अच्छा मेन्यू है। वही ये हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक है। जैसा सोचा था कि बॉल में भरा हुआ होगा वैसा ही मुझे मिला है। आगे बताऊंगा टेस्ट के साथ। ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्या था? डायनामाइट चिकन। हाँ डायनामाइट चिकन। और ये स्टेक बर्गर मुझे भी और भी कुछ मंगाना था तो मैंने सोचा कि पहले ये चेक टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कि मंगाना कि नहीं मंगाना, क्योंकि पेट अगर भर गया तो फिर गया। ये डायनामाइट चिकन है और ये इस तरह से है, टेक्सास फ्राइज है। माजिद दिखाना सर उनसे कैसे इस तरह से। जी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, माशाल्लाह जो मंगाया था आज वो पूरा खा लिया है, ठीक है। और आलियान भी अपनी मस्तियों की तरफ जा रही है, देखो ठीक है। और देखें भाई हम लोगों ने ना पेप्सी का बायकॉट किया हुआ है, जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स थे हमने उनका बायकॉट किया हुआ था। हम लोग जो है ना अभी जो है लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें इसराइल का अमल दखल है। तो आप लोग भी जो है ना बायकॉट जारी रखें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर अफेक्ट होगा। तो भाई खा बड़ा मज़ा आया, ठीक है ना, खा के। और नई जगह थी, नया टेस्ट था, अच्छा लगा। और ये जगह जो है मेरी वाइफ ने सिलेक्ट की थी, मैं तो कहीं और लेके जा रहा था लेकिन इन्होंने बोला यहाँ चलें। जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि भाई मैं तो फ्री में खाना खाने आया हूँ, ट्रीट मिल रही है मुझे। मैंने बोला ठीक है जहाँ खिलाना है खिला दो, तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू वेरी मच। मैं सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करता हूँ लेकिन इन्होंने मेरी सालगिरह सेलिब्रेट की है,
मुझे घर पे भी विश किया है, मेरे लिए केक भी मंगाया और आज मुझे जो है उन्होंने खाना भी खिलाया बाहर। ठीक है, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंजूसो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये दूसरा दिन है जिस दिन हम गए थे बूम बूम में। तो हम गए थे पहले मॉल ऑफ मस्कत में, वहाँ पे लूलू से हमने ग्रोसरी शॉपिंग की। हाँ, बोला कि चलो तब व्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग की। और उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पे आ गए और यहाँ से हम बीफ बर्गर खाएंगे, साथ में सीख है, सीख मिश्का को बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको बताते हैं जब हमारा ऑर्डर आएगा। और जी आलियान, आप क्या कर रहे हैं? इधर देखो, आलियान कार्टून देख रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो है ना मिश्काक आ चुकी है इस वक्त और बर्गर है, बर्गर बाद में खाऊंगा, पहले मिश्काक खोल सकता हूँ। तो जी हम घर पर आ गए थे और हमने बर्गर वगैरह वहाँ पे खा लिया था। उसके बाद हम घर पे, मैंने सोचा जो मैंने ग्रोसरी ली है वो आप लोगों को बता दूँ कि मैंने किस तरह से ग्रोसरी शॉपिंग की है। इसमें मंथली भी है और वीकली भी है, ये सारे शॉपर्स हैं इसके। और ये मैंने फ्रूट में ये लिया है और ये योगर्ट है। ये यहाँ की ना बहुत मज़े की होती है, तुर्किश लबने उसका नाम। और ये है हॉर्स स्पाइसी इंडियन मैंगो पिकल्स, ये भी अच्छा होता है। तो ये सारी सब्जियां हैं, बेसिक सब्जियां हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, कड़ी पत्ता, बैंगन और ये ग्रीन अनियन है, ये पालक है, पुदीना, खीरा और हरी मिर्च है, साथ में ये अनार है और ये शिमला मिर्च है। ये दूध का पैकेट हम लोग लेते हैं, इस तरह जूस है। ये बादाम पिस्ते, बादाम पिस्ते तो यार इनकी प्राइस तो इतनी ज़्यादा हाई हो गई है ना, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ लूलू में ऐसी है या फिर नेस्टो में भी ऐसी हो गई है, क्योंकि ये तो हमने एक रियाल के लिए हैं और ये देखें कितनी थोड़े सा, वरना ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। ये बादाम है 500 ग्राम। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, ये मैंने अचार बनाना है। मैंने एक रेसिपी तो देखी है, उसके अलावा मैं अचार बनाऊंगी। केरिया मुझे मिली नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम केरिया ले आएंगे, ये तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, इसलिए मैंने ना ये ले ली थी। ये सारी चीज़ें मैं डालेंगी। और ये मस्टर्ड ऑयल और ये मुमताज़ की यहाँ पर ना पत्ती होती है, बहुत अच्छी होती है, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। ये फेरी है, यहाँ पर ये शोश वगैरह चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको पसंद आई होंगी मेरी ग्रोसरी। ये एक रह गया, ये केक रस्क होता है यहाँ का, लूलू का केक रस्क बहुत अच्छा होता है। इसमें 2 पीसेस पैकेट हैं, 2 पैकेट्स हैं। तो एक मैं अपनी दोस्त को दूंगी, एक मैं अपने पास रखूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की है। बहुत रश था वहाँ पर और मेरा एक टारगेट था कि मुझे जल्दी जल्दी लेनी है चीज़ें और घर जाना है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने गोश्त भी लिया, वो तो मैंने फ्रिज में रख दिया, गोश्त चिकन वगैरह वो मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि ख़राब हो जाएगा। बाकी मैंने एक परफ्यूम लिया, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने परफ्यूम कौन से लिए। अच्छा, तो ये मैंने परफ्यूम ली थी, ये आप ये ब्रांडेड परफ्यूम है, ये आप चाहें तो सर्च करके देख लीजिएगा, एडम परफ्यूम। तो ये है इसके अंदर, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने माजिद के लिए ली, लेकिन मैंने माजिद को कहा है कि ये मैंने अपने लिए लिए। और इसके साथ ये मुझे गिफ्ट्स मिले थे, गिफ्ट्स उसमें उन्होंने दिए थे, 2 इत्र हैं और इसमें भी 2 इत्र हैं। बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, ट्रस्ट मी। ये इत्र मेरे ख्याल से इसके ये हट गया, तो ये माजिद खुद ही अपने हाथों से खोल के देखेंगे, मैं अभी नहीं खोल रही सर। तो आई होप कि कल तक मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाए, क्योंकि उसमें डेट तो कल की ही आ रही है। मैंने शूज़ जो हैं वो माजिद के लिए ना ऑर्डर किए हैं मैं, तो आई होप कि कल तक वो मिल जाए मुझे। तो अगर कल तक मिलते हैं तो मैं आप लोग के सामने वीडियो बनाऊंगी और माजिद को सरप्राइज़ देंगे, और ये फाइनल सरप्राइज़ होगा। तो टेक केयर, कल तक।
या परसों तक, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन आएगा ना उसी दिन मैं ये परफ्यूम को अनबॉक्स करूँगी, क्योंकि माजिद अपने हाथों से ही करेंगे इसे, ठीक है। तो जी अभी मैं बता रही हूँ कि ये मेरा ऑर्डर था, ये मेरा आ गया फाइनली घर पर, और माजिद भी आ गए हैं घर पर। मैंने माजिद को बोला 2 मिनट रुके, मैं ना आपके लिए कुछ ला रही हूँ, तो वो कह रहे हैं क्या ला रही हो, मैंने बोला 2 मिनट रुक जाओ बस। ये जूते हैं मैंने माजिद के लिए लिए हैं, ये देखें, तो ये माजिद को गिफ्ट देना है, और ये परफ्यूम है, माजिद खोल के देखेंगे। तो चलिए माजिद, दिस इज़ फॉर यू, देख लो खोल के। और ये भी है, और ये भी है, वाओ। और ये मैंने ना, ये मैंने आपके लिए ली थी, मैंने अपने लिए ली थी एडम। अच्छा वो, हाँ हाँ, अरे यार आपने ये मेरे लिए ली था? नहीं, 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 मैंने अभी ना खोला नहीं है, देखो 2 दिन हो गए मैंने खोला नहीं। वाओ यार, अच्छा आप ये सारा व्लॉग पूरा चक्कर आपने चोरी छुपे सारा जो है सीक्रेट बनाया, हर चीज सीक्रेट किया आपने। वाओ यार अमेजिंग। इसमें जूते, जूते अच्छा बता भी दीजिए जूते। वाओ यार नाइस, पसंद है फैशन के लिए। अच्छा ऑनलाइन मंगा है? हाँ ना। वाओ भाई, चल सारी चीजें ऑनलाइन भी मंगा रही हो? ये ऑनलाइन मंगाई थी, वो आपके साथ ली थी। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, दो मिनट में रखती हूँ। नाइस यार, पहनो ना, पहन के दिखाऊं? कभी आए ये? आज शाम में आए थे यार, जब घर पे जब मैं होता हुआ है। नहीं नहीं, 5:30 बजे। मैं तो हाँ 4 बजे गया था ना। अच्छा ये अतर भी मंगाई है? अतरे भी है भाई, वाह भाई वाह, अतरे भी है, 4-4 अतरे। अब वो नमाज पढ़ने जाता है ना, जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा, ले जाएगा मैडम। तो अनबॉक्सिंग करनी है इसकी अभी? हाँ खोलना है, क्योंकि मैंने आपका इंतजार किया होता। थैंक यू वेरी मच, दिस इज एज अ गिफ्ट और एज अ बर्थडे गिफ्ट। हाँ बर्थडे गिफ्ट भी है और आपके लिए भी गिफ्ट है। बेबी कम ऑन बेबी, आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट बट एट अ बॉटल समझते हो? बोतल है यार, ताइफ, ताइफ अल मनामा। बेबी इतना प्यारा खुशबू है। अच्छा ये 24 आवर है ये? हाँ 24 आवर्स है। चलें थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया मेरा बर्थडे, और मुझे 3 गिफ्ट दिए, डिनर पे भी लेके गई, और मेरे लिए जूस भी मंगवाया, परफ्यूम भी दिया, और बलून वगैरह भी लगाए, केक भी दिया। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू भाई, नाम लगा के चेक करो। सही है, तो चलो मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।